दोस्तों, नाम है मेरा निशात मलिक और इस बिजनेस में एसईडी हूँ और इस बिजनेस को बहुत ही दिल से और जुनून के साथ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, बिजनेस में आने के बाद जो कहते हैं ना, एक हाउसवाइफ से और एक बिजनेस वूमेन का जो सफर था बहुत ही खूबसूरत था। खूबसूरत इसलिए क्योंकि गुमनामी के अंधेरे से निकल के मैंने अपनी पहचान बनाई है इस बिजनेस के थ्रू। तो इस बिजनेस के लिए मैं सिंपल सी चीज बोलती हूँ, मोदी केयर बिजनेस सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, जिंदगी देने का नहीं है, ये जिंदगी की वो आस है, वो जरिया है जो आपको जीने का एहसास दिलाता है। तो हमारे इस फैबुलस बिजनेस मीट में आप सबका स्वागत है दिल से। फ्रेंड्स, मोदी केयर बिजनेस में आने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, एक चीज होती है जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, बुद्धि। बुद्धि और सद्बुद्धि, ये वर्ड हम सब ने बहुत बार सुना है कि बुद्धि क्या है और सद्बुद्धि क्या है। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया, ये हमारी बुद्धि है कि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इतना बेहतरीन फैसला लिया, ये हमारी बुद्धि है। लेकिन अब इस बिजनेस में काम कैसे करें और किस तरीके से इस बिजनेस में अपना गोल सेट करें, अपना माइंड सेट करें और फास्ट जाएं, ये हमारी सद्बुद्धि होगी। तो इस सद्बुद्धि को देने के लिए आज हमारे बीच एक बहुत ही पावरफुल लीडर आ रहे हैं, उनके बारे में जितने शब्द कहे जाएं उतने कम है। हमारे कमांडर ऑफ चीफ हैं वो, और जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कहते हैं ना, एक गवर्नमेंट सर्विस से निकल के एक बिजनेसमैन बने और पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में चेंज ला दिया उन्होंने। लाखों लोग हैं जो कि आज मानते हैं कि अनिल सर की वजह से जिंदगी में आज ये चेंज आया है और एक बड़ी इनकम अर्न कर रहे हैं, 3 लाख प्लस की इनकम उन्होंने इस बिजनेस से अर्न की है। एक लग्जरी कार है तो है 21 लाख की लिया है। उसके साथ ही साथ हमारे डबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, सुपर है, मेरे मेरे लिए महागुरु हैं। और कहते हैं भगवान के बाद अगर किसी के बारे में हम दिल से सोचेंगे तो हम जो है बोलेंगे हमारे अनिल सर के लिए। तो वेलकम अनिल सर, और बताइए क्या है हमारा आज का सेशन। थैंक यू, वेलकम सर। वाह वाह, थैंक यू निशा जी फॉर माय वार्म वेलकम। थैंक यू, आपने सही कहा, मोदी केयर ये बिजनेस करने का बिजनेस नहीं, ये जिंदगी जीने का बिजनेस है। क्या बात है, सुपर सुपर। तो दोस्तों, मैं अनिल गावड़े, मोदी केयर डबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, आपका इस शानदार सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर सुरेखा जी एंड निशा सर कि जिन्होंने आज ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया है। उसके बाद मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे ग्रेट लीडर फिलिप सर, मेरे अपलाइन मिस्टर संजय बगराज सर और मेरी पूरी टीम। थैंक यू। और स्पेशल मैं थैंक बोलना चाहता हूँ हमारे समीर सर, जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दी, वो नहीं होते तो आज हम लोग आपके सामने नहीं होते। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है गोल सेटिंग, बिग पिक्चर एंड माइंडसेट। मगर ये गोल सेटिंग, बिग पिक्चर एंड माइंडसेट के पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आज का सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए कि ये सेशन जो है गोल सेटिंग, ये हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। 2 साल से हम लोग ये ऑनलाइन कर रहे हैं और 2 साल पहले ये ऑनलाइन का हमें ABCD मालूम नहीं था, जूम क्या है ये मालूम नहीं था। मगर थैंक्स डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, हमें ये जूम ऐप का मालूम करके दिया, ट्रेनिंग दिया। और आज दोस्तों कि ये 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट 2 साल पहले स्टार्ट किया और आज 500 डेज कंप्लीट किया। दोस्तों 500 डेज, आज ये अभी के जो चल रहा है वो 25 मंथ चल रहा है दोस्तों। मगर दोस्तों, हम लोग ने पहला तो थैंक बोलना चाहता हूँ हमारे ग्रेट ग्रेट मेरे टीम वर्क जो है, संदीप अरोरा सर, प्रथमेश सर, रोशनी अरोरा जी, संगीता जी एंड हरीश जी, उन्होंने एक सोच लिया और उसके बाद हम लोग ने 21 डेज कमांडो प्रोग्राम शुरू किया। हम लोग 6 लोग पहले ट्रेनिंग लेते थे, वो टाइम पे कोई भी बंदा नहीं आता था, मगर हमारे टीम में आज 100 से ज्यादा लीडर्स तैयार हुए हैं कि हम कोई भी टॉपिक दे दो वो टॉपिक करने के लिए तैयार है। दोस्तों ये है 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम का ताकत। दोस्तों लॉकडाउन पीरियड में हम लोग ने 3 टाइम्स बिजनेस किया, 3 टाइम्स बिजनेस किया। लॉकडाउन में मेरे टीम में 5 मिलियनर निकले दोस्तों। तो दोस्तों चलो चलते हैं
थोड़ा मैं आपको स्टोरी बता दूं। स्टोरी क्या है, स्टोरी आपके लिए है कि स्टोरी ऐसी है कि एक डॉक्टर थे और उनको इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा वो देखने का था। इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला था, वही टाइम पे उनको हॉस्पिटल से कॉल आया कि आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, एक अर्जेंसी ऑपरेशन करना है। अभी वो डॉक्टर है, उसको जाना ही पड़ेगा। उनको मिसेस का कहा कि ये मैच मैं देखना चाहता हूँ, ये रिकॉर्डिंग मोड पे रखो, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, ऑपरेशन करके मैं आ जाता हूँ और फिर ये मैच देखने वाला हूँ। तो हॉस्पिटल में गए, थोड़ा ज्यादा देर तक ये ऑपरेशन चला और ऑपरेशन चलने के बाद वो खत्म हुआ। बाहर निकले पहला घर, मगर दोस्तों जैसे ही घर उनका कार एंट्री कर रहा था वही टाइम पे फटाका बज रहा था, फटाका जोरदार फटाका बज जाता, इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया। अरे यार इंडिया तो जीत गया, अभी क्या, फिर भी बोले ना ये मैच तो मैं लाइव देखने वाला हूँ। आए फ्लैट में, बोले मिसेस को फ्रेश होके आने के बाद कि चलो मैच रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, मुझे मैच पूरा देखना है। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, पहले ही ओवर में एक विकेट, दूसरे ओवर में फिर और एक विकेट, दोस्तों एक विकेट गया। डॉक्टर साहब बोलते क्या फर्क पड़ता है, इंडिया तो जीतने वाला है। दूसरा विकेट किया, डॉक्टर साहब बोलते क्या फर्क पड़ता है, इंडिया जीतने वाला है। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस भी विजुअलाइज करने का बिजनेस है, क्या फर्क पड़ता है। ये सारे के सारे लीडर जो है आज 643 लीडर है जो अभी दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मिलियनर है, सारे के सारे लखपति है, करोड़पति है। दोस्तों बस प्रोसेस है, कुछ किसको थोड़ा कम समय लगा, किसको ज्यादा समय, बाकी और कुछ नहीं। तो मैं वेलकम करता हूँ ऑल माय मोदी केयर मिलियनर, जितने भी सारे मिलियनर उनको मैं वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज का प्रोग्राम जो है ये गोल सेटिंग है। गोल सेटिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। दोस्तों डायरेक्शन मिलता है। तो सितंबर 2022 का गोल सेटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट मैं आपको बोलना चाहता हूं कि होप यू आर ऑल आर एक्साइटेड टू ब्रिंग बिग बिग चेंज इन योर लाइफ इन सितंबर 2022। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में चेंज आना चाहिए दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है। दोस्तों मैं पहला तो सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं जो अगस्त महीने में मोदी केयर में ज्वाइन हुए, और ज्वाइन होने के बाद वो 5% में आ गए, फिर 8% में आ गए, फिर 10% हो गए, फिर 11% हुए। ये 5%, 10%, 11% एंड 10% एंड 11% सारे लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ ग्रेट लीडरशिप। आज इंडिया में मोदी करके जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप, ऐसी लीडरशिप ऑल ओवर इंडिया में कोई कंपनी के पास नहीं है दोस्तों। तो मैं सारे लोगों को, जितने भी हमारे लीडर्स हैं और उन्होंने जिन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, उनको सारे लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और दोस्तों चलता थोड़ा आगे देखता हूँ, गोल सेटिंग, बिग पिक्चर एंड माइंड सेट। बिग पिक्चर तो देखना जरूरी है दोस्तों, विजुअलाइज करना जरूरी है, मगर उसके लिए थोड़ा माइंड सेट भी करना जरूरी होता है दोस्तों। ये देखिए शुरुआत करते हैं बिग पिक्चर से। दोस्तों मैं मोदी केयर में ज्वाइन हुआ था 7 साल पहले, वो टाइम पे मोदी केयर कंपनी का सालाना बिजनेस होता था 95 करोड़ का। मुझे भी मालूम नहीं था, मैं भी काम कर रहा था, मगर मैंने देखा हर साल कंपनी का तो ग्रोथ हो रहा है, 95 करोड़ से 140 करोड़, 270 करोड़, 535 करोड़, 1000 करोड़। और दोस्तों लास्ट ईयर एक कंपनी ने 2000 करोड़ का बिजनेस किया। दोस्तों देखिए ये 2014-15 से 20 times ग्रोथ करने वाली एक इंडिया की कंपनी है दोस्तों, 20 times ग्रोथ। और यही सिलसिला चला, आज देखिए 4000 करोड़ आने वाले एक साल के अंदर होगा, 4000, फिर 8000, फिर 16000 एंड 32000। आज फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है, आज देखिए कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का
टोटल बिजनेस होने वाला है आने वाले 2025 तक 65,000 करोड़। ये 65,000 करोड़ में मोदी के 50% करेगी दोस्तों। यस दोस्तों, 50% तो होने वाला ही है क्योंकि मोदी के जय हिसाब से आज काम कर रहे हैं दोस्तों। आज देखिए जो हिसाब से आज इतना स्पीड पकड़ा है मोदी ने, आज देखिए जो नया बंदा ज्वाइन हो रहा है ना, नया बंदा आज जो आज मोदी में आज भी ज्वाइन होता है वो भी बंदा है कम से कम 3 से 4 लाख रुपए इनकम करेगा 2025 में। बस सिस्टम में काम करना है और जो भी जितना लोग व्यक्ति आता है उनको सिस्टम में प्लग करना है, बाकी और कुछ नहीं। जिसका आज 1 लाख रुपए इनकम है वो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए इनकम करेगा, जिनका आज 3 लाख रुपए इनकम है आज कम से कम 10 से 15 लाख रुपए इनकम करेगा। दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आज के दिन हमें देखिए आज गणपति बापा मोरिया, आज गणेश जी आए हैं, तो हमें एक संकल्प करना है। संकल्प क्या करना है दोस्तों कि हमें मोदी कर में सक्सेस होना है तो हमें 3 चीज के ऊपर हमें फोकस करना है, 3 चीज के ऊपर फोकस करना है और आज मैं ये 3 चीज के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। योर सक्सेस डिपेंड ऑन योर माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आप जो सोचेंगे वो होने वाला है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है, तो आज हम लोग ठान लेने वाले हैं। तो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, फिर गोल सेट इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जो है वो हम क्या एक्शन लेते हैं उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट, गोल सेट एंड एक्शन सेट, ये 3 के ऊपर आज मैं पूरा फोकस करने वाला दोस्तों। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए कि नंबर 1 आज हमें इतना तय करना है कि अपलाइन ने हमें ज्वाइन किया वो मुझे सपोर्ट करेगा, मगर एक है ये मेरा बिजनेस है। संजय बगरा सर जो है मेरे अपलाइन है, उन्होंने मेरे मुंबई में मुझे ज्वाइन किया, मुंबई में मुझे ज्वाइन किया, मैंने देख लिया कि संजय सर कभी आ सकते हैं, 2 महीना 3 महीने 6 महीना उसके बाद क्या है, मुझे खुद का बिजनेस करना है तो मैंने सोच लिया मेरा बिजनेस मेरे से स्टार्ट होता है। मैंने सीख लिया, मैंने टीम को वही बनाया और आज आप देखिए 10,000 लोगों की टीम बनी है दोस्तों। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए कि आपको ये बिजनेस करने के टाइम शॉर्टकट नहीं है, नो शॉर्टकट इन लाइफ, जो शॉर्टकट करता है वो आगे जाके दिक्कत में आ जाता है दोस्त। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपको क्या करना है, नॉलेज लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, एक्शन लेना है और ये जो है ये 3 चीज जो है ये सारे प्रोफेशन में है, फिर वो डॉक्टर हो, फिर वो एडवोकेट हो, फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबको तो ये लेना है, नॉलेज भी लेना है, एक्सपीरियंस भी लेना है और एक्शन भी करना है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए कि आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, IAS ऑफिसर है, एडवोकेट है, प्रोफेसर है, मैनेजर है, दोस्तों आज कम से कम 15 से 20 साल वो लोग ये नॉलेज के लिए मेहनत करते हैं, एजुकेशन लेते हैं दोस्तों, तो उसके बाद फिर एक्सपीरियंस करते हैं और फिर अपना एक्शन शुरू करते हैं। एवरेज इनकम कितना करते हैं, एवरेज इनकम है 1 लाख से 2 लाख रुपए, मगर 15 से 20 साल की मेहनत के बाद दोस्तों आज देखिए ये देखिए कितना काम करते हैं, 10 से 12 घंटा रोज काम करते हैं, मगर दोस्तों ये 10 से 12 घंटा काम करते हैं और उसके बाद ये करने के लिए उन्होंने 15 से 20 साल की मेहनत की है और आगे का देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद नो वर्क नो पे। आज डॉक्टर क्लिनिक ओपन नहीं किया, नो पैसा। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना ऑफिस ओपन नहीं किया, नो पैसा। एडवोकेट अपने बैग उठा के हाईकोर्ट में नहीं गया, नो पैसा दोस्तों। मगर मोदी कर में क्या है, मोदी कर में आपको 1 साल 2 साल 3 साल मैं तो बोलूंगा 5 साल मेहनत करने के बाद, ये देखिए दोस्तों कम से कम 2 साल से 5 साल मेहनत करने के बाद आप 1 लाख से 5 लाख हर महीना इनकम करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नो शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं है बाबा, ये 3 साल से 5 साल कड़ी मेहनत का बिजनेस है। एक डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी हमारे लिए रोल मॉडल है, जब डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी महीने का 1 करोड़ रुपया इनकम कर सकते हैं तो फिर व्हाई नॉट मी,
अपने खुद को क्वेश्चन पूछो भाई। मैं ज्वाइन हुआ था तब मैं 2017 में डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी को मैंने पूछा था कि आपको एक महीने का 50 लाख रुपए इनकम कैसा आता है। उन्होंने कहा अनिल जी कुछ नहीं, बस कंज्यूमर का नेटवर्क बनाना है, तो कंज्यूमर का नेटवर्क बनाइए। और आज देखिए करते 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 आज कंज्यूमर का नेटवर्क बन गया, आ गया। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर दोस्तों एक है, आपको पीछ पे ठीके रहना है दोस्तों। थोड़ा और आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए मेक माइंडसेट, माइंडसेट करना है हमें जिंदगी भर के लिए पैसिव इनकम, जिंदगी भर के लिए पैसिव इनकम दोस्तों, जिंदगी भर के लिए लाइफ, फ्रीडम ऑफ लाइफ। और लास्ट जो है वो है वेल्थ क्रिएशन। मैं आपको बोलना चाहता हूँ देखो दोस्तों कि मैं हर आम आदमी जैसा नौकरी करता वैसा मैं भी नौकरी करता था, मुंबई पोर्टर्स में नौकरी करता था। वो टाइम पे लोगों को मैं बोलता था कि भाई देखो कि मार्च 2021 में रिटायर होने वाले, सारे बैच पूरा बैच हम लोग रिटायर होने वाले थे, तो मार्च 2021 में हम रिटायर होने वाले हैं। आज तो 1 लाख सैलरी मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, मगर मार्च 2021 में क्या, ये जो 1 लाख सैलरी है वो आने वाला था 30,000। लोग मेरे फ्रेंड बोलते थे अरे भाई 5 साल का कौन सोचा है, चलो आज एंजॉय करो। दोस्तों वो लोग नहीं एंजॉय किया, आज वो लोग 30,000 इनकम कर रहे हैं और मैं आज 3 लाख रुपए इनकम कर रहा हूँ, और ये भी पैसिव इनकम है दोस्तों। काम करो ना करो तो भी पैसा मिलने वाला है दोस्तों। तो हमें काम करना है पैसिव इनकम के लिए, काम करना है फ्रीडम ऑफ लाइफ के लिए, और काम करना है वेल्थ क्रिएशन के लिए दोस्तों। एक गोल सेटिंग के बारे में ये देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1969 में एक सर्वे किया गया था, और सर्वे क्या किया गया था, वो कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उनको बोला गया था कि आप अभी कॉलेज से बाहर तो निकलने वाले हैं, मगर निकलने के बाद आपका क्या गोल है ये आपको गोल बताना है। 83% बच्चे लोगों ने अपना गोल लिखा ही नहीं, 83%। 14% जो बच्चे हैं उन्होंने गोल लिखा नहीं है, मगर बोले कि मेरे दिमाग में है। मगर 3% जो है बच्चे लोग हैं उन्होंने अपना गोल लिखित राइटिंग में दोस्तों लिखा उन्होंने। बराबर 10 साल के बाद उनको सर्वे वापस किया गया, वह है 1979 में। ये देखिए 79 में क्या हुआ, आफ्टर 10 इयर्स जो 83% जो बच्चे थे वो वहां के वही थे, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं, क्योंकि उनको उनका जिंदगी में क्या था, सिर्फ गोल गोल गोल, उनके उन्होंने कभी गोल सेट ही नहीं किया था। मगर जो 14% बच्चों ने जो अपना गोल सेट किया था मगर माइंड में किया था, उनका ग्रोथ हुआ था 10 टाइम्स। यानी जो 83% बच्चे थे उसे 10 टाइम्स उनका ग्रोथ हुआ था, मगर जो 3% जो है वो 3% बच्चे जो है उसका ग्रोथ हुआ था 30 टाइम्स। यह है गोल लिखने का महत्व, यह है गोल लिखने का इंपॉर्टेंस दोस्त। और आज आप देखेंगे दुनिया की परिस्थिति वही है, 3% लोग जो है वो 97% को पर राज कर रहे हैं। आज पैसा किसके पास है, 3% लोगों के पास तो है दोस्तों। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, गोल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोफेशनल गोल। अभी प्रोफेशनल गोल यानी क्या, हम जिस इंडस्ट्री में है तो वहां हमें क्या होना है, हमारा प्रमोशन होते हैं। तो प्रमोशन क्या है, मोदी कर में आपको सक्सेस होना है तो मोदी कर में सक्सेस होने के लिए आपको सारे के सारे दरवाजे ओपन होते हैं डायरेक्टर के पास। जब तक आप डायरेक्टर नहीं बनते हैं तब तक आपको मोदी कर में ऐसा कुछ बदलाव नहीं दिखता है, ऐसा कुछ होगा ऐसा नहीं दिखता है। मगर जैसे ही आप डायरेक्टर बनते हैं और 5,000 का चेक आपके सामने जब आता है 9 तारीख को, 5,000 का चेक आया तो 50,000 का भी चेक आएगा, 50,000 का चेक आया तो 1 लाख का भी आएगा, 1 लाख आया तो 5 लाख का भी आएगा और 10 लाख का भी आएगा। मगर वो 5,000 का चेक जो है वो चेक के लिए आपको डायरेक्टर बनना पड़ता है दोस्तों। तो पहला स्टेप होता है मोदी कर में डायरेक्टर बनना। फिर आप डायरेक्टर से जैसे ही आप एक डायरेक्टर आपके डाउनलाइन में बनाते हैं, आप बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर, आपका चेक लगभग 7,000 तक हो जाता है दोस्तों। फिर आप बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जब 3 डायरेक्टर विर्थ में बनाते हैं तो आप बन जाते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
और फिर आप एक एक पड़ाव पार करते जाते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर प्लेटिनम, और उसके बाद डायमंड, और डायमंड बन जाते हैं उसके बाद आपको सारे सपने नजर आते हैं। यस, अभी जो सपने के लिए मैं ज्वाइन हुआ मोदीकर में, वो सारे सपने मेरे पूरे होंगे दोस्तों। इसके लिए आपको पहला स्टेप है डायरेक्टर, फिर ईएचडी, ईडी, एसीडी, प्लेटिनम एंड डायमंड। और डायमंड होने के बाद आपको ये देखिए, आपको बनना है ब्लैक डायमंड डायरेक्टर दोस्तों, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। और ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के बाद होता है ये देखिए दोस्तों, रेड डायमंड डायरेक्टर दोस्तों। मगर उसका पहला पड़ाव क्या है? पहला पड़ाव है डायरेक्टर। ये सारा हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे, मगर उसके लिए आपको एक है कि डायरेक्टर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हो गया हमारा प्रोफेशनल गोल। अभी देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सेकंड जो गोल होता है वो है फाइनेंशियल गोल। पैसा तो है, वेल्थ तो चाहिए दोस्तों, तो ये फाइनेंशियल गोल में हम क्या करते हैं देखो, ये देखिए कि हमें माइंडसेट बनना है कि डायरेक्टर तो हम बने, मगर डायरेक्टर बनने से हमारा 5,000 का चेक आएगा, क्या मोटिवेट करेगा 5,000 से? आपको जितना जल्दी होगे आपको एसीडी बनना है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आपका फर्स्ट गोल होगा एज एसीडी, मैं कम से कम 30,000 का चेक। और आप एक बार एसीडी बन जाते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं, तो आपको मोदी कर से क्या मिलता है? कार्पन मिलना चालू हो जाता है और थाईलैंड ट्रिप मिलना चालू हो जाता है। हर साल थाईलैंड ट्रिप, आप लोगों को बोल सकते हैं मैं हर साल फॉरेन ट्रिप जाने वाला हूँ, हर साल फॉरेन ट्रिप जाने वाले हैं। लोग वो देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के लोग मोदीकर में ज्वाइन हो जाएंगे। मोदीकर से मैं ज्वाइन हुआ, आज 2 साल कोरोना के छोड़ेंगे तो एक 5 साल के अंदर 5 टाइम मैं फॉरेन जाके आया दोस्तों। ये देखिए सेकंड गोल आपका होना चाहिए प्लेटिनम डायरेक्टर विथ 50,000 पर मंथ इनकम। आपको कार मिलेगा कम से कम 8 लाख का मिनिमम, छोटा है कार ये 8 लाख का, और आपको फिर फॉरेन ट्रिप मिलेगा। और दोस्तों उसके बाद आपका सिर्फ थर्ड गोल होना चाहिए, वो है डायमंड डायरेक्टर विथ 1 लाख मिनिमम इनकम। डायमंड डायरेक्टर होने के बाद आपका 2 लाख भी होएगा, 5 लाख भी हो जाएगा, 10 लाख भी हो जाएगा, मगर मिनिमम 1 लाख रुपीज इनकम। और आपका कार हो जाएगा कम से कम 10 लाख का। दोस्तों मेरे टीम में जो डायमंड डायरेक्टर हुई है, 10 लाख का किसी का भी कार नहीं है, सारे कार है 15 लाख के आगे के कार है दोस्तों। तो आप डायमंड डायरेक्टर बनते हैं तो फॉरेन ट्रिप मिलेगा, थाईलैंड ट्रिप, और यूरोप घूमने का भी मौका मिलेगा दोस्तों। तो आपका थर्ड टारगेट होगा वो है डायमंड डायरेक्टर, उसके बाद ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनते हैं आप 2 लाख में पर मंथ इनकम, कार कम से कम 12 लाख का, और आपको हर साल 2 फॉरेन ट्रिप का मौका, हर साल 2 फॉरेन ट्रिप का मौका। बस आपको पासपोर्ट होना चाहिए, बाकी कुछ जरूरत नहीं है दोस्तों। और उसके बाद आप डबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनते हैं, मिनिमम 3 लाख रुपीज इनकम जो आज मैं ले रहा हूँ। आपको कार मिलेगा 15 लाख का दोस्तों। मोदी कर से मुझे अभी तक 2 कार गिफ्ट मिला है, और पहला मैंने 3 साल पहले लिया था, एक छोटा सा 7 लाख का कार लिया था, और आज जो कार मेरे मैं जो चला रहा हूँ, और वो है हुंडई क्रेटा 21 लाख रुपीज का दोस्तों। और ये साल 2 फॉरेन ट्रिप हो जाएगा मोदी कर से, थैंक्स गॉड ये 7 साल पहले मैंने मोदी कर स्टार्ट किया। और उसके बाद आपको ये देखिए 6 जो गोल होना चाहिए वो है ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, कम से कम 5 लाख रुपया पर मंथ इनकम, और मिनिमम 20 लाख रुपीज का आपको कार आएगा, और 2 फॉरेन ट्रिप आपको फ्री में आ जाएगा। तो ये आपके गोल होते हैं दोस्तों, ये होते हैं गोल। तो इसके लिए हमें माइंड सेट बनाना है, और दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो 97% लोग नहीं करते हैं, 3% लोग करते हैं दुनिया के, और इसके लिए वो लोग सक्सेस होते हैं, वो है विजुअलाइज। दोस्तों मैं मॉर्निंग सेशन लेता हूँ, 6:45 को सेशन लेता हूँ, 6:45 को सेशन लेता हूँ, उसमें हम मेडिटेशन करते हैं। अपने खुद के साथ बात करना तो होना चाहिए, 5 मिनट को आपको मेडिटेशन करना है एवरीडे, 5 मिनट, और वो टाइम पे आपको विजुअलाइज करना है, मैंने ये सारा चीज अचीव किया हूँ। विजुअलाइज करो दोस्तों, विजुअलाइज करो। ये देखिए दोस्तों, आई एम रेन डायमंड डायरेक्टर, आई एम रेड डायमंड डायरेक्टर, आई एम रेड डायमंड डायरेक्टर। विजुअलाइज करो यार, विजुअलाइज करो। 10 लाख रुपया मेरा इनकम है पर मंथ, 10 लाख, क्या जिंदगी होगा यार, देखो ना, सोचो ना, आग बंद करो,
यार आप रेड डायमंड डायरेक्टर है, मिनिमम 10 लाख रुपए पर मंथ इनकम आ रहा है। हाँ 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 क्या बात है, मैं तो भाई एकदम बोला सुकून से जिंदगी जीऊंगा दोस्तों, सुकून से जिंदगी जिएगा। मगर उसके लिए क्या मिलेगा और क्या मिलेगा आपको, ये देखिए आपको एक प्रीमियम कार मिलेगा, लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो जाएगा, आप पूरा एंजॉय करेंगे दोस्तों। मगर इसके लिए आपको मेहनत करना है, 3 से 5 साल मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करनी है दोस्तों। कोई बंदा कोई मिला तो उसको बोलना है कि देख भाई 2025 दिसंबर तक मेरे पास टाइम नहीं है, 2025 दिसंबर के बाद मिलेंगे, तब तक मुझे टाइम नहीं है, बात करना है। और ये देखिए ये बंदा कितना खुश है देख, क्योंकि उसने विजुलाइज किया है, यस मेरा 10 लाख रुपए इनकम आ रहा है, मेरा 10 लाख रुपए इनकम आ रहा है, मेरा 10 लाख रुपए इनकम आ रहा है। दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी इंपॉर्टेंट बात आता है जो है थर्ड टॉपिक, वह है एक्शन। हम एक्शन क्या करते हैं, एक्शन दोस्तों देखो कि हमें फील्ड में उतरना पड़ेगा, हमें ये तो ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑनलाइन इतना यहां तक ठीक है, आप मॉर्निंग सेशन अटेंड करते होंगे यहां तक ठीक है, इवनिंग सेशन आप अटेंड करते हैं यहां तक ठीक है, मगर आपको जब तक लोगों को घर घर में नहीं जाते हैं, फील्ड में काम नहीं करते हैं, तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा। तो 4 बेसिक आपको करना है, आप आज कंसल्टेंट है या डायरेक्टर है या डायमंड डायरेक्टर है, कोई भी होने दो, आपको 4 बेसिक करना है। और ये 4 बेसिक क्या है, वह है सेल्फ यूज। मोदी केयर में जो प्रोडक्ट बनता है और दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट मेरे घर में होगा, उठा के फेंक देना भाई, फेंक देना, इतना से होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी कंपनी है, ये मेरे प्रोडक्ट है बाबा, ये मेरा बिजनेस है। तो सेल्फ यूज 100% यूजर, शो द डेमो प्रोडक्ट, हमें ये प्रोडक्ट है उनके डेमो दिखाने पड़ेंगे। और शेयर द अपॉर्चुनिटी, हमारे 3 फीट के दायरे में जो भी बंदा आता है उसको मोदी घर का अपॉर्चुनिटी बताना है, उसका नसीब में पैसा होगा तो वो ज्वाइन होगा, नहीं तो फिर बाद में, सारे लोगों को तो ज्वाइन होना ही है, कुछ लोग आज ज्वाइन हो जाएंगे, कुछ लोग कल ज्वाइन हो जाएंगे, मगर सबको होना है, सबको ये अपॉर्चुनिटी बताना है। और लास्ट में है जो हमारी टीम है उनको बोलना है, अरे भाई आपको मोदी के में सक्सेस होना है, 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया महीने का इनकम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इवेंट में आना पड़ेगा, ये 4 चीज करना है, सेल्फ यूज, शो द प्रोडक्ट डेमो, शेयर द अपॉर्चुनिटी एंड सेल द इवेंट। और ये 4 चीज करने से हर व्यक्ति मोदी कर में मिलीनियर बन सकता है दोस्तों। तो 4 बेसिक हो गया, उसके बाद जो है वो है ओरिएंटेशन, यानी उनको ट्रेनिंग देते रहना है, बिल्ड अ स्ट्रक्चर। दोस्तों आज 80% जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, 2 लेग पे काम करते हैं और आगे जाके ट्रबल में आते हैं। तो आपको पहले से ही आप 4 लेग या 6 लेग पे काम करना है, और इसको बोलते हैं बैलेंस स्ट्रक्चर, राइट स्ट्रक्चर, कंडक्ट मीटिंग एंड ट्रेनिंग। आज आप मीटिंग में अटेंड, मीटिंग में आए हैं, ये मीटिंग जो है ये मीटिंग आपको पैसा कमा के देगी, मगर आप रियल रिच कब बनेंगे मोदी केयर में, रियल मिलीनियर कब बनेंगे, जब आपका टीम 25 का मीटिंग खुद लेंगे तभी। तो आपका टीम 25 का मीटिंग आपको लेना है, सी मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलते रहना है, मिलते रहना है, मिलते रहना है, डू काउंसिलिंग हर महीने में, जब स्टार्ट में ही आपके अपलाइन जो एक्टिव अपलाइन है उनके साथ काउंसिलिंग करना है, और आपके जो गोल है उनको बताने हैं, और जो गोल करने के लिए उनकी सहायता लेनी है, तो काउंसिलिंग करना है, डू टीम वर्क और एनकरेज टीम, उनको उत्साह देना है। अरे यार जब ये फिलिप सर इनकम कर सकते हैं, डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी इनकम कर सकते हैं, संजय बगर सर इनकम कर सकते हैं, आज मोदी के में हजारों लोग महीने का लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, एनकरेज कीजिए, उत्साह कीजिए। तो ये एक्शन हमें करना है। और थोड़ा और आगे देखते हैं दोस्तों, गोल सेटिंग सितंबर 2020, हमें 2022 सितंबर में आज ये महीने का हमें गोल क्या करना है, डिक्लेयर करना है दोस्तों, डिक्लेयर करना है। और डिक्लेयर करने के टाइम थोड़ा डर भी लगना जरूरी है दोस्तों, डिक्लेयर करने के टाइम। ये देखिए कि मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए 3 क्वेश्चन क्या है, आर यू रियली सेटिंग योर मंथली गोल, आप रियली आप करना चाहते हैं क्या, कभी टाइम पास के लिए कभी किया कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया ना, तो 5 साल क्या, आने वाले 50 साल काम करेंगे ना, तो भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। कोई लोग आते हैं 3 महीने के लिए, देखते हैं
करके देखेंगे, होगा तो ठीक है। पहले 4-5, 8-10 लोगों का नाम लिखते हैं और 2-4 लोग ना बोले तो अपना तलवार मैन करते हैं। दोस्तों नहीं है, कम से कम 600 लोगों का लिस्ट बनाना है, 600 लोगों का लिस्ट बनाना है। लोग बोलते हैं 200 का बनाओ, मैं तो बोलता हूँ 600 लोगों का लिस्ट बनाओ। और दोस्तों उसके बाद मैं क्वेश्चन बनता हूँ कि आर यू रियली सीरियस फॉर योर ग्रोथ, आप सच्ची आप ग्रोथ करना चाहते हैं। और तीसरा जो है वो है आर यू रियली वॉन्ट टू मेक करियर विथ मोदी के, आप रियली मोदी में करियर करना चाहते हैं। ये 3 क्वेश्चन का जवाब आपके अपलाइन को मत दीजिए, आपको दिल को दीजिए और फिर आपका गोल बनाए दोस्तों, गोल बनाइए। देखिए मैंने कहा था ना कि जब भी गोल आपको डिक्लेयर करते हैं ना तो डर लगना चाहिए, डर लगना चाहिए। ये देखो और थोड़ा एक्साइट भी होना चाहिए। कोई बंदा बोलता है मैं ना ये साल ना हीरो होंडा लेने वाला हूँ। दोस्तों हीरो होंडा लेने वाला एक गोल हो गया क्या? मगर कोई बंदा बोलता है मैं ये साल होंडा सिटी लेने वाला हूँ। दोस्तों हीरो होंडा 1 लाख का मिलेगा और होंडा सिटी आपको 12 लाख का मिलेगा। दोस्तों पहला बात है गोल लेने के ना ले तो गोल ऐसे ले लो कि थोड़ा डर लगे और बताने के लिए भी थोड़ा एक्साइट हो जाएगा, सामने वाले लोगों को भी लगेगा कि भाई अरे यार ये कुछ गोल है। दोस्तों मैं आपको मेरे गोल दिखाने वाला आपको, ये देखिए दोस्तों थोड़ा और आगे जाते हैं, देखते हैं कि देखिए जब आप गोल बनाते हैं, ये ध्यान से सुनिए, जब आप गोल बनाते हैं तो आपको ये गोल क्या करते हैं मालूम है? आपको डायरेक्शन देते हैं दोस्तों, आपको डायरेक्शन देते हैं, आपको कहाँ जाना है आपको मालूम होता है। क्या यार ये मैंने किया है, मुझे ये 3 साल के अंदर करना है या मुझे 5 साल के करना है, मुझे क्या मिलती है? मुझे दिशा मिलती है दोस्तों, दिशा मिलती है और दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर दूसरा है गोल बनाने से आपको फायदा क्या होता है, ये देखिए सब सब मैं आपको दिया कि गिव योर एनर्जी, एनर्जी यानी ताकत मिलती है। जब हम मीटिंग में आते हैं देखो क्या होता है कि एक 5,000 का मोबाइल होने दो या आईफोन होने दो 1 लाख का, वो चार्ज नहीं करेंगे तो क्या हो गया, वो पत्थर हो जाएगा। तो हम जब मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग में आने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, हमें चार्ज होते हैं दोस्तों। तो ये हम जब गोल डिक्लेयर करते हैं ना तो हमारा एनर्जी भी बढ़ जाता है दोस्तों। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है कि हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, हमें कुछ कुछ नए नए आइडिया आते हैं, अरे यार ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा। और हम देखते हैं अरे यार ये व्यक्ति सक्सेस हो रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ नए नए आइडिया लेके हम आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं और हम सक्सेस होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखिए कि गिव योर चैलेंज, मैं आपको बोलता हूँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों कि आज गरीबी में रहने के लिए भी हार्डवर्क करना पड़ता है ना, आपने ऐसा कोई देखा है कि गरीबी में रहने वाला भी कुछ काम नहीं करता है? अरे गरीबी में रहने के लिए तो भी हार्डवर्क करता है और अमीर बनने के लिए भी हार्डवर्क करना पड़ता है। तो फिर गरीब रहने के लिए हार्डवर्क करने वाले हैं तो उतना ही हम हार्डवर्क अमीर बनने के लिए करेंगे तो दोस्तों बस एटीट्यूड का बिजनेस है। ये एटीट्यूड चेंज करना है, चैलेंज लेना है। लोग प्रॉब्लम को डरते हैं, मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम को चैलेंज में कन्वर्ट करो, ऑटोमेटिक आपको आइडिया मिलेगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों ये करता है मोटिवेट करता है, जोश आता है दोस्तों। मैं आपको बोलता हूँ, मैं 2017 की बात होगी, मैंने जब डॉक्टर सुरेखा भार्ग मैडम को कॉल किया था, वो टाइम पे मैं फुल टाइम होने वाला था मोदी घर में। तो मैं मेरा एक दोस्त था मोदी घर में ज्वाइन हुआ था, उसको मैंने बोला था देखो तो ऐसा ऐसा है मैं मोदी घर में फुल टाइम करने वाला हूँ। वो मुझे क्या बोला मालूम है, अभी जो ध्यान से सुनो तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे लोग भी आपको मिलने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो अनिल मेरा क्लोज फ्रेंड है, मैं तो मोदी घर नहीं करने वाला, तुम भी मत करना। और देख तू जो बाइक लेके घूम रहा है ना, ये बाइक का जो कॉस्ट है ना, और तू बोल रहा है ये बड़ा कार लेने वाला है, वो बड़ा कार का जो कॉस्ट है, जो हेडलाइट का कॉस्ट है ना, वो हेडलाइट का कॉस्ट तेरा बाइक से भी महंगा है। तो ज्यादा सपना मत देखना, शांति से काम करना है, नौकरी है ना नौकरी में काम करते रहना। दोस्तों 5 साल उसको मिला नहीं, मैं बोला साला मैं तुमको करके ही बताऊंगा। और जिस दिन मैंने मेरा होंडा क्रेटा मैंने लिया तब पहला पेड़ा उसको लेके दिया, मैंने बोला थैंक्स तेरे वजह से मुझे मेरा होंडा क्रेटा आया।
दोस्तों लोग ऐसे मिलने वाले हैं दोस्तों, तो ये लोग मोटिवेट करते हैं हमें, सर आप करके बताएंगे, क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्यों नहीं होगा, जब इतने लोग ले रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं करूंगा। दोस्तों ये देखिए, ये मेरा गोल, ये 2017 में मेरा रियली मैं लिखा था, मैंने और मिशन 2022 2003 साल का गोल लिखा था, 25 कार मैंने लेने, मेरे टीम में आएगी, 25 सीनियर डायरेक्टर बनेंगे, 25 मिलियनेयर बनेंगे। अरे भाई कार तो आए, 5 लग्जरी कार आए दोस्तों, 5 लग्जरी कार आए हैं। ये देखिए मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 25 नहीं, ऑलरेडी 31 सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने अभी तक, और 25 मिलियनेयर, 5 मिलियनेयर तो बने हैं, और दिसंबर तक कम से कम 25 से ज्यादा मिलियनेयर बनने जा रहे हैं दोस्तों। तो और क्या चाहिए। ओके मैं और एक बताता हूँ, यहाँ 2017 में लिखा था टाटा हैरियर नवंबर 2020 में लेने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों मैंने टाटा हैरियर लिखा था 3 साल पहले, मगर वही व्हाइट कलर का, क्या मालूम नहीं मेरा मन में आया था चलो हुंडई क्यों नहीं ले, और उससे वही कॉस्ट का मैंने हुंडई क्रेटा लिया था, वही साल में लिया था दोस्तों, वही टाइम मंथ में लिया था, मगर मैंने 3 साल पहले लिखा था दोस्तों। और अभी मैंने लिखा है, याद देखिए कि मर्सिडीज ई क्लास 14 नवंबर 2025 में मैं ले रहा हूँ, जिसका कॉस्ट है 1 करोड़। 2017 में लिखा है बाबा, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो। और ये मेरा लग्जरी जो मैं हाउस लेने वाला हूँ 9 अगस्त 2025, जिस दिन मेरा मिसेस का बर्थडे है, इसका कॉस्ट होगा कम से कम 5 करोड़ दोस्तों, और ये भी बोरोली में होगा दोस्तों। 2017 में लिखा था, और हमें क्या करना है, हमने भगवान के पास 3 चीज है, देखो आपके पास क्या करना है, पहला मांगना रख, मांगना, उसके बाद विश्वास रखना, और प्राप्त करना। तो ये तो अब मोदी के अपॉर्चुनिटी मिली है, ये तो होने वाला है दोस्तों। देखिए मैंने अभी को गोल लिखे, वो गोल भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अनिता अनिल गावड़े विल बी ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर इन 31 दिसंबर 2022 डिक्लेयर किया है, और ये होने वाला है। 501 कमांडोज, 10,000 से मिलियन ज्यादा इनकम करेंगे, 101 कार ओनर होंगे, 101 मिलियनर होंगे, 101 डायमंड डायरेक्टर होंगे, 101 कमांडो ट्रेनिंग मेरे टीम में होगा, और ये मैं इंटरनेशनल ये बिजनेस हम करने वाले हैं, ये मुझे मालूम नहीं था, ये अभी आया देखो, और मैंने लिखा और ये हो गया। और ये है देखिए, अनिता अनिल गावड़े, अनिता एंड अनिल गावड़े बी 1 करोड़ आजादी क्लब मेंबर इन दिसंबर 2023। बस डिक्लेयर, डिक्लेयर करो दोस्त, लोगों को बोलो कि भाई ये मैं बनने जा रहा हूँ, ये मैं करने जा रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और फास्ट लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, मंथली गोल सेटिंग, पर्सनल एंड टीम प्रोग्रेस, ऐसे 2 गोल होते हैं। अभी इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस जो है, ये सारा बिजनेस दोस्तों, ये एटीट्यूड का बिजनेस है दोस्तों, एटीट्यूड का बिजनेस है। कोई 1,000 लोग रुपए का परचेसिंग करेगा, कोई बोलेगा अरे एक काम करता हूँ ना निशत मैडम, टूथपेस्ट दे दो, टूथपेस्ट, वो टूथपेस्ट लेके मैं देखता हूँ, बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ। और कोई बोलेगा यार अभी तो मैं माया आता सटकली काम स्टार्ट करेगा, वो 120 पीवी से बिजनेस स्टार्ट करेगा, आई डू 100 पीवी, और ये माई कमिटमेंट दोस्तों। देखो स्लोगन करो, मैं करूंगा महीने में 120 पीवी, मोदी के देगा मुझे सपनों की चाबी, आई डू 100 पीवी, आई डू 120 पीवी, आई डू 120 पीवी, 1 पीवी इज इक्वल 20 सम पीवी, 120 पीवी क्लब में आपको जाना है, उसका फायदा क्या है मैं आपको लास्ट स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। ये देखो अभी क्या करना है, आई एम इन स्पॉन्सर क्लब, ये स्पॉन्सर क्लब में जाने से आपका फायदा क्या है उसका भी कमिटमेंट लेना है दोस्तों। ये देखिए, आई एम इन स्पॉन्सर क्लब, आई एम कमिटेड फॉर 4 न्यू ज्वाइनिंग एवरी मंथ। आज आप कंसल्टेंट है, आज आप डायरेक्टर है, आज डायमंड डायरेक्टर है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, आपको हर महीने में कम से कम 4 न्यू ज्वाइनिंग करना है दोस्तों, 4 न्यू ज्वाइनिंग करना है। और ये 4 न्यू ज्वाइनिंग जो है, ये देखिए एक आपका गोल शीट के साथ आपको बनाना है। आज गोल शीट क्या है, मैं ये महीने में मेरा खुद का पर्सनल बीवी कितना करने वाला हूं, मैं मेरा TGBV कितना होगा, मेरा PGBV कितना होगा, 100 पीवी चैंपियन में कितना बनाऊंगा, मैं मेरे टीम में कितने डायरेक्टर आने वाले हैं, मेरे टीम में कितने सीनियर डायरेक्टर आने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आने वाले हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आने वाले हैं, मेरे टीम में कितने प्लेटिनम डायरेक्टर आने वाले हैं, डायरेक्टर स्पॉन्सर में कितना करूंगा, और मेरा इनकम कितना होगा, ये लिखो। और मिनिमम स्टार्टिंग में जो कंसल्टेंट है, बिलो डायरेक्टर है, वो 4 लेख पे काम करो, और बाद में आप 6 लेख पे काम करो, और आपका नाम लिखो, सिग्नेचर करो,
और आपका ग्रुप में डिक्लेयर करो और एक कॉपी जो है वो आपका एक्टिव अपलाइन को देते हो। अभी देखिए कुछ लोग ऐसा होते हैं, बात करते हैं बहुत बात, बड़ा बड़ा बात करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वहां करूंगा, मैं वो कर दिया भी है, पहला वीक निकल जाता है, दूसरा वीक निकल जाता है, बाद में बोलता है नेक्स्ट महीने में करते हैं, वो नेक्स्ट महीने कभी नहीं आता है। आपको करना है तो आप देखिए ये चार वीक है, ये चार वीक आपको काम करना है। मिनिमम 50,000 आपका ग्रुप भी करना है तो आपका 10 तारीख तक आपका कम से कम 20,000 ग्रुप भी आना चाहिए। सेकंड वीक यानी 15 तारीख तक आपका कम से कम 15,000 आना चाहिए। थर्ड वीक में आपका कम से कम 10,000 होना चाहिए। फोर्थ वीक में 5,000 जो भी बचा है वो, यानी कम से कम 50,000 हमारे ग्रुप भी के लिए, ये भी हमारा गोल है दोस्तों। ये गोल है यानी क्या है, आपको ये महीने में क्या करना है। तो 10 तारीख तक आपको जो लास्ट महीने में बिजनेस किया उससे कम से कम 50% तो आपका बिजनेस होना चाहिए था। और ये देखिए ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत बड़ा काम करेंगे। मैं आपको बोलता हूं, मेरे टीम में एक लेडी है वर्षा गांधी करके, मैं रियली उनको सैल्यूट करता हूं। उन्होंने ये महीने में एज अ डायरेक्टर 1,00,000 ग्रुप भी बनाया, 1,00,000 ग्रुप। दोस्तों लोग 50,000 60,000 70,000 करते हैं, आज उन्होंने 1,00,000 भी बनाया। कॉन्ग्रेचुलेशन वर्षा जी, बधाई हो, आपने जबरदस्त काम किया। मगर एवरेज बिजनेस कैसा चलता है, देखो सारे लोग काम करते हैं ना, उसमें हमारा कम से कम 20% तो एवरी मंथ होना चाहिए, मिनिमम 20% ग्रोथ होना चाहिए। सोचिए कोई बंदा नया है, बंदा है एकदम नया है, मोदी कर में फर्स्ट मंथ में उसने 10,000 ग्रुप भी किया, सेकंड मंथ में जो है एक 20% ग्रोथ होता है तो भी कम से कम 12,000 का उसका बिजनेस आ जाएगा। 20% ग्रोथ था, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है। सेकंड मंथ सोचिए 12,000 है तो 20% ग्रोथ होता तो 14,400। थर्ड मंथ में 20% के हिसाब से 70,280। फोर्थ मंथ में 20,766। फिफ्थ मंथ में 24,883। सिक्स मंथ में हो जाएगा 29,859। और सात महीने में वो बंदे बनेगा डायरेक्टर बनेगा। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, डायरेक्टर बनेंगे ऐसे ही काम करेंगे तो आने वाले सात महीने में तो डायमंड डायरेक्टर बनेंगे, छह लोगों को ये हिसाब से काम करते तो भी। सारा खेल एटीट्यूड का है दोस्तों, बस हिलना नहीं है, पीच पे टिके रहना है दोस्तों। ये हिसाब से भी काम करते हैं, 20% ग्रोथ होता है ना तो भी आप डायरेक्टर बनेंगे दोस्तों। थोड़ा और आगे देखते हैं, स्ट्रेटेजी टू ग्रोथ बिजनेस। आज आपके टीम में समझो 20 लॉयल्टी होता है तो नेक्स्ट महीने में कम से कम और 20% ग्रोथ होना चाहिए, यानी लॉयल्टी बढ़ना चाहिए। हर महीने में आपकी लॉयल्टी बढ़ना चाहिए। जो नए लोग हैं उनको बोलना है आपका कम से कम एक एक लॉयल्टी आ जाओ। 20 लोगों को बोलते हैं तो कम से कम 10 लोग करेंगे, 10 तो लॉयल्टी बढ़ेगा, यानी आपका लॉयल्टी, ये सारा खेल जो है ना ये लॉयल्टी मल्टीप्लाई का खेल है दोस्तों। स्ट्रेटेजी टू ग्रोथ बिजनेस दोस्तों, आपकी टीम में फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनाइए, फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनाइए। कुछ लोग एवरेज काम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, मगर कुछ लोग आपकी टीम में ऐसे आएंगे कि वो चमकता हुआ तारा जैसे आएंगे। आज उनको बोलते हैं कि भाई देखिए कि आप 4 लोग ज्वाइन कीजिए और 4 लोगों को सिर्फ 1% तक लेके जाइए, यानी 300 पीवी करने वाले 4 लोग आपकी टीम में आते हैं, ए बी सी डी। वो बंदा पहले महीने में डायरेक्टर बन गया, पहले महीने में डायरेक्टर बन गया तो क्या हो गया, फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बन गया। सिर्फ 4 लोगों सिर्फ 8% तक लेके गया तो भी बंदा बन गया। और अपने टीम में डीपी ज्यादा होने चाहिए, ये देखिए प्रमोट डीपी सिस्टम इन, एक डीपी एक एक लेग में एक डीपी हो गया तो आपका वो लेग स्ट्रांग हो गया, 2 डीपी हो गया तो आपका वो लेग में एलपी भी लेग आपका चालू हो गया जिंदगी भर के लिए एलपी लेग। ऐसे 2-3 ऐसे 12 डीपी हो जाते हैं आपके 6 लेग में, आपको जिंदगी भर के लिए महीने का 2,00,000 रुपये इनकम आना चालू हो जाएगा दोस्तों बस। और इसके बाद ये देखिए, ये है मोदी की कंपनी ने ये एक्टिवेशन बोनस दिया है दोस्तों। ये एक्टिवेशन बोनस नहीं है, ये जिंदगी भर के लिए पैसिव इनकम मिलने का एक तरीका है दोस्तों, जिंदगी भर के लिए पैसिव इनकम। निषाद जी बोले कि ये मोदी कर जो है ना, ये मोदी कर करने का बिजनेस नहीं है, ये मोदी कर जीने का बिजनेस है दोस्तों। आज ये एक्टिवेशन बोनस है, इसको पर हम थोड़ा मेहनत करेंगे, क्योंकि सारा खेल जो है ये राइट स्ट्रक्चर का खेल है।
स्टार्टिंग में आप एक ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 200 रुपए मिलने वाला है, मगर उसको एक्टिवेट करेंगे मिनिमम 3000 से। आप दो ज्वाइनिंग करते हैं आपका खुद का परचेस करके तो कम से कम आपको 800 रुपए मिलने वाले हैं। आप तीन ज्वाइनिंग करते हैं उनका एक्टिवेट करते हैं 3000 से तो आपको मिलेगा 1200 रुपया, और आप चार ज्वाइनिंग करते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं 3000 से तो आपको मोदी केयर का प्लान से मिलने वाला वो अलग, प्लस कंपनी से आपको 2000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। दोस्तों मेरा पहला चेक था 154 रुपीज, लोग हंसते थे 154 रुपीज। जो यहाँ नए आए हुए ना उनका पहला चेक आएगा कम से कम 2500 का, चार ज्वाइनिंग करेंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो आप चार स्पॉन्सरिंग कीजिए और आपका एक्स्ट्रा इनकम आएगा 2000 रुपीज। मगर कुछ लोग एवरेज काम करते हैं, मैं आप अभी दिखाने वाला लास्ट पॉइंट, कुछ लोग एवरेज काम करते हैं, एवरेज काम करने के बाद भी वो 125 PV पे काम करते हैं तो उनका 8वें महीने में 1 लाख रुपए इनकम कैसा आएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए पावर ऑफ 120 PV, पावर ऑफ 120 PV यानी क्या है, 3 to 40 PV, 7000 रुपया उसका लगभग खरीदी होता है। अरे ऐसा तो हम कोई मॉल में जाते हैं तो 10000 का खरीदी करके आते हैं, अनवांटेड प्रोडक्ट लेके आते हैं, मगर यहाँ प्लानिंग से हम लोग 7000 का खरीदी करते हैं तो 120 PV हो जाएगा। और हमें और एक चीज करना है, जैसा मैंने 120 PV किया मैं हर महीना एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करूंगा, एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करूंगा, यानी आज ये सितंबर महीना है, सितंबर से लेकर नेक्स्ट अगस्त तक मैं 12 महीने में एक एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करता हूँ, यानी एक एक व्यक्ति को ज्वाइन करता हूँ तो मेरे 12 ज्वाइनिंग हो जाएंगे। मगर वो 12 ज्वाइनिंग को बोलूंगा कि 8वें महीने में आपका 1 लाख रुपए इनकम से 1 रुपए कम आएगा ना मेरे पॉकेट से लेके जाओ, मगर इतना करना पड़ेगा। हर व्यक्ति सिर्फ हर महीने में एक ज्वाइनिंग उसको एक्टिवेट कर रहा है 120 PV से, क्या आपका लाइफ में चमत्कार आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए कि आज आप और मैंने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया, ये महीना सितंबर है, मैं और आपने अपने दो जन है, हमने 120 PV 240 PV होगा, बीवी कितना होगा 6480। पहले स्टार्टिंग में पहला महीने में कम दिखेगा आपको, मगर दूसरे महीने में आप और मैंने हमने 120 PV किया और एक एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, उनको एक्टिवेट किया 120 PV से, क्या 120 PV आपका जिंदगी में क्या चमत्कार आएगा आपको दिखेगा। देखो 480 PV हो गया ग्रुप PV, आपका बिजनेस हो जाएगा 1290 960। थर्ड मंथ में 4 × 4 + 4 = 8, आप लोग चार लोग है, चार लोग ने अपना 120 PV का और एक एक ज्वाइनिंग किया, सिर्फ एक एक ज्वाइनिंग 8 ज्वाइनिंग आ जाएंगे 960 ग्रुप PV आपका हो जाएगा 25920, और चौथा महीने में हो जाएगा 8 + 8 = 16। और ये 16 लोगों का हम मीटिंग लेते हैं, घर घर में जाके उनको ये समझाते हैं, घर घर में जाके समझाते हैं बाबा, उनको बोलते हैं कि भाई 8 महीने में आपके जीवन में क्या चमत्कार आता है देखिए। तो आप 16 लोगों के माध्यम से आपका बिजनेस हो जाएगा कम से कम 51840, 5वें महीने में 32 64 128 256। जिस दिन ये 8वें महीने में 256 लोग 120 PV करते हैं, टोटल बिजनेस हो जाएगा बीवी में 8,29,440। और हमें मिलियनर बनने के लिए कितना लगता है मोदी के नाम बीवी 6 लाख। रोशनी जी मुझे बोलते थे अनिल जी मुझे इतना बताइए मुझे 1 लाख रुपए इनकम करने के लिए कितना बीवी करना पड़ेगा, मैं बोला आपको 6 लाख बीवी करना है, 6 लाख के अंदर 1 लाख बीवी करो आपका 1 लाख रुपए इनकम हो जाएगा। आज उन्होंने 10 महीने के अंदर 1 लाख रुपए इनकम किया था, ये मुझे पास ये नहीं था, प्लान नहीं था, मगर ये हिसाब से अब 8 महीने के अंदर आपका इनकम आ सकता है 1.5 लाख रुपए पर मंथ, 8 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए पर मंथ इनकम। तो दोस्तों मैं आपको ये साल में महीने का 1 लाख रुपए इनकम करने के लिए हार्दिक 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 शुभकामना देता हूँ, और मैं यहाँ रुकता हूँ और वेलकम करता हूँ निशात जी को। निशात जी वेलकम वेलकम वेलकम, ओवर टू निशात जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही फैबुलस बताया सर आपने। दोस्तों अगर आप घर से निकले हैं और आपको मंजिल का पता नहीं मालूम है तो फिर कोई फायदा नहीं है घर से निकलने का, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आपने मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया है तो आपका गोल और माइंडसेट दोनों प्रॉपर रेडी रहना चाहिए, ताकि तभी आपको पता चलेगा कि मोदी केयर बिजनेस क्यों करना है। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं ना, सपने वो नहीं है जो कि आप सोते हुए देखते हैं, वो सपने तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए होते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ करना है तो उन सपनों पे काम करो जो सपने आप जागती आंखों से देखते हैं, वो जो सपने आप 24 घंटे आपके दिल में जलते हैं उन सपनों पे काम करना है।
तो अभी हम हमारे आज के सेशन को आगे लेके जाएंगे और कल के सेशन के बारे में आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी जो है हम जो है आज अपने सेशन को आगे लेके जाते हैं और हम बुलाएंगे उनको जिनके बारे में कहा जाता है कि नारी है, कहा जाता है नारी शक्ति का रूप है, लेकिन उस नारी ने साबित कर दिया कि वाकई नारी शक्ति का रूप है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो आज इस बिजनेस में बहुत से लोग नहीं होते, अगर वो नहीं होती तो ये सिस्टम नहीं होता, अगर वो नहीं होती तो हम और आप नहीं होते। तो हम बुलाएंगे हमारी जो है सुपर्ब, हमारी फैबुलस, हमारी महागुरु, हमारी कहते हैं ना सुरेखा मैम को, जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करेंगी हमारी सुरेखा मैम को। वेलकम मैम। वेलकम 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 गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, वेलकम। निशात मैम, सुरेखा मैम एक्चुअली ट्रैवलिंग में है, वो लॉग इन नहीं कर पा रही है। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं है। सुरेखा मैम के कहते ना उनके, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज का ये मौका उन्होंने मुझे दिया। निशांत सर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे आज का ये मौका दिया। उसके बाद मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर अनिल सर, रोशनी जी, संगीता जी, संजय बगारिया सर का, और संदीप जी और प्रथमेश जी का, इन सब लोगों ने मुझ में विश्वास रखा, मुझे आज का ये मौका दिया। जो कुछ भी मैं बन पाई हूँ इन सब की वजह से। दोस्तों कहते हैं हर वक्त जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, तो हम बताते हैं हमारे कल के सेशन के बारे में भी। कल भी हमारा एक बहुत ही सुपर सेशन होने वाला है जो कि परिवर्तन का है। परिवर्तन मतलब क्या होता है? जिंदगी में जब आपको कुछ नया पाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए परिवर्तन करते हैं। तो उस परिवर्तन के सेशन को करने के लिए आ रही हैं हमारी एक बहुत ही पावरफुल लीडर जिनका नाम है नीति जैन। आप खुद भी आइए और साथ ही साथ अपने प्रोस्पेक्ट को भी लेके आइए और अपनी टीम के न्यू ज्वाइनीज को भी लेके आइए, क्योंकि जब सीखेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया, क्योंकि बिना सीखे तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं होता। तो आज का ये सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन। यस सर। मैम गुड न्यूज है, सुरेखा मैम लॉग इन कर पा रही हैं, अभी जस्ट मेरी बात हुई है। एक सेकंड के लिए टाइम दीजिए उनको, कनेक्टिविटी के कारण उनको प्रॉब्लम हो रही थी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हम बहुत लकी हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आज हमको सुरेखा मैम से सुनने को मिलेगा। किस्मत कहते इंसान लिखवा के नहीं लाता, किस्मत उसके हाथ में होती है, उसकी ताकत में, उसकी मेहनत में होती है। जो इंसान करता है उसी में जो है उसकी किस्मत होती है। तो हमारी किस्मत आज हमने ये मेहनत की है, इसका फल है कि हमको सुरेखा मैम को सुनने का मौका मिलेगा। तो सुनने के लिए रेडी है आप सब ना सुरेखा मैम को? यस यस यस। तो वेलकम मैम। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग कमांडोस। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। सॉरी मैं मेरी वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ। ओके ओके ओके। तो ऐसे ही हम बात करेंगे, पर क्या कहूँ अनिल जी आपके लिए, आपको ऐसे ही तो कमांडो इन चीफ नहीं कहा जाता है। जो गोल सेटिंग आज आपने सिखाई है ना, कैसे 8 महीने में बंदा 1,00,000 रुपया कमा सकता है, कि जो क्लैरिटी आज आपने दी है ना, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गोल सेटिंग जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है। और बहुत क्लैरिटी है, कोई भी पर्सन जो इसको फॉलो कर ले। देखो हम हमेशा से ये कहते हैं कि जो कंपनी के ऑफर्स हैं, जो कंपनी के प्रमोशंस हैं, अगर हम उन पर राइड करेंगे, उस वेव को अपना उड़न खटोला बनाएंगे, तो हमारी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। और आपने एक्टिवेशन बोनस को यूज करके 8 मंथ्स में इतना सारा एक्स्ट्रा इनकम होते हुए, उसके साथ साथ आपने 1,00,000 रुपया महीना 8 महीने में आपने बता दिया। अमेजिंग अमेजिंग, जितनी तारीफ करूं उतनी आपकी कम है। जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहूंगी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, अमेजिंग सेशन। नॉलेज भी थी, मोटिवेशन भी था, और क्लैरिटी भी थी, डायरेक्शन भी था, गणित भी था। सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि गणित में सोचना होता है हम सबको, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम थिंक करते हैं। आपने हर चीज अपने आज के सेशन में कवर करी है, एंड आई एम सो हैप्पी कि कमांडो ट्रेनिंग का जो हमने 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग की जो फिर से बाउंस बैक किया है, फिर से जो शुरुआत करी है लीप पर, उसका ये पहला सेशन बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो मोदी कैरियंस के लिए प्रूव होने वाला है। एंड एमसी तो हमारी निशात जी हमारी फेवरेट है ही, खूब खूबसूरत खूबसूरती से इवेंट को आगे बढ़ाती है। तो मैं आप दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वेलकम। एंड सभी मोदी कैरियंस को, सभी लीडर्स को एक बात कहना चाहूंगी, 500 दिन अनिल गावड़े जी एंड टीम ने कमांडो ट्रेनिंग के कंप्लीट किए हैं, और यही कारण है कि इनके ग्रुप में जो सक्सेस है वो भी लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। और बहुत सारे राइजिंग स्टार, बहुत सारे है ना
इनके लीडर्स डेवलप हो रहे हैं और ये एक तरीके से सफलता का एक ज्वालामुखी है जो इन्होंने बना लिया है, जो इस ज्वालामुखी पे ये सब लोग बैठे हुए हैं, सफलता के ज्वालामुखी पे, जो अब तेजी से पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन के कारण सबको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देने वाला है। तो आइए दोस्तों, सारे हिंदुस्तान में हम लोग फिर से लीप पर कमांडो ट्रेनिंग हमने आपको आपके रिवीजन के लिए हमने देना शुरू किया है। आप इसे डुप्लीकेट कीजिए अपने अपने नेटवर्क में और ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट कीजिए। यानी कि एक बड़ी टीम है तो जरूरी नहीं है कि वो खाली एक ही कमांडो ट्रेनिंग करे। आपके अलग अलग लीडर्स जो हैं वो अपनी अपनी टीम के साथ कमांडो ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैंने मेरा जो पीजीबीवी ग्रुप है उस पीजीबीवी ग्रुप के साथ, छोटे से ग्रुप के साथ कमांडो ट्रेनिंग को डुप्लीकेट करने के लिए प्लान बना लिया है। तो आप सब भी अपने छोटे छोटे जितने ज्यादा आप अपनी अपनी टीम में जितनी ज्यादा कमांडो ट्रेनिंग करा सकते हैं उतनी ही सक्सेस आपके लिए फास्टर हो जाएगी। हमने जो प्रोटोकॉल बनाया है वो ये है कि हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे कमांडो ट्रेनिंग करेंगे। लीप पर हम एवरी वेडनेसडे पहले किया करते थे क्विक स्टार्ट वेडनेसडे और सैटरडे को करते थे एलडीपी। तो अभी 2.5 months जब तक ये 21 days नहीं कंप्लीट होते हम क्विक स्टार्ट वेडनेसडे नहीं करेंगे और हम एलडीपी। तो देखो कमांडो ट्रेनिंग में ही बहुत सारे सक्सेस सेमिनार होते हैं, बहुत सारे लीडर्स इसमें गेस्ट अपीयरेंस देते हैं, तो एलडीपी की कमी आपको महसूस नहीं होगी। जो वेडनेसडे को हम क्विक स्टार्ट वेडनेसडे करते थे उसको फ्राइडे को हम, इस बार 5 Fridays हैं जैसे, तो 5 में से 2 Fridays हम क्विक स्टार्ट वेडनेसडे, तो क्विक स्टार्ट फ्राइडे करने वाले हैं, तो आपको उसकी भी कमी नहीं अखरेगी। अब जो मैं आप सबको सजेस्ट कर रही हूँ वो यही है कि जो आज सैटरडे को गावड़े जी ने किया है, हम आपको एक के बाद एक अभी लीप पर व्हाट्सएप पर हम आपको पीपीटीज भेजने वाले हैं। जो अभी गावड़े जी ने आज सेशन किया है आप सैटरडे वाले सेशन को ट्यूजडे को डुप्लीकेट कीजिए। यानी आपको संडे मंडे ट्यूजडे लगभग 2.5 दिन मिल जाता है अपनी टीम को प्रिपेयर कराने में, आप इसे ट्यूजडे को डुप्लीकेट कीजिए और जो हम वेडनेसडे को दिखाते हैं उसको आप फ्राइडे को डुप्लीकेट कीजिए। टाइम कुछ भी हो सकता है, सुबह 6 बजे लीजिए, रात को 11 बजे लीजिए। मैं आपको बता दूं कर्नाटका के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि कर्नाटका बहुत फास्ट सक्सेस जनरेट करता है। मैं आपको बताती हूँ कर्नाटका में आजकल सुबह का सेशन 5 बजे शुरू होता है और उस सेशन को करने के लिए 150 ट्रेन द ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं। उनका सेशन 3:45 यानी 3:45 पे शुरू होता है। 3:45 पे ट्रेन द ट्रेनर सिखाते हैं और फिर 5 o'clock से वो ट्रेनर जो है उस सेशन को करते हैं। तो बहाना बहाना कोई काम नहीं आता है, किसी भी तरीके से जो है हमें कोई भी टाइम निकालिए, 24 घंटे में से खुद को डेवलप करने के लिए कोई भी टाइम दिया जाए ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी टाइम निकालिए। जो एग्जिस्टिंग काम आप कर रहे हैं उस काम को की खोटी नहीं होनी चाहिए, वो काम कम नहीं होना चाहिए। जो भी एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, मॉर्निंग इवनिंग लेट नाइट को टाइम निकाल के, हो सकता है आपकी टीम में आज आप 9 बजे सेशन करते हो 50 लोग आते हो, आप सुबह 7 बजे कमांडो ट्रेनिंग शुरू करोगे शायद 15 ही लोग आए, कोई बात नहीं 15 लोगों से शुरू कीजिए। तो जो चल रहा है नेचुरली वो चलने दीजिए, इसके लिए कोई अलग डेजिग्नेटेड टाइम रखिए और उस पे काम शुरू कीजिए। कम लोगों के साथ शुरू कीजिए, कंसिस्टेंटली शुरू कीजिए। वो जो कम लोग तैयार होंगे वो भी और कम लोग तैयार करेंगे, पर ये कम 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 करते आपका समंदर भर जाएगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनिल गावड़े जी एंड टीम ने प्रूव करी है और हम सारा हिंदुस्तान इनको सलाम करते हुए इनको ही डुप्लीकेट करने की तैयारी में जुट जाना चाहिए। यही मेरा आज का आपके लिए मैसेज है और अनिल जी आपको आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। जो कंसिस्टेंसी आपने दिखाई है सारा हिंदुस्तान आपकी तरफ बहुत प्राउड से देख रहा है। अब आप हमें मदद कर रहे हैं, सारे हिंदुस्तान को यही काम डुप्लीकेट कराने में मदद कर रहे हैं। मुझे पता है ये कोऑर्डिनेशन इजी नहीं होता है पर आप कर रहे हैं, अनकंडीशनल आप सपोर्ट सारे हिंदुस्तान को कर रहे हैं। तो मैं एडवांस में सारी लीडरशिप की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी, शाबाशी देना चाहूंगी, बेस्ट विशेष देना चाहूंगी। आप जल्दी से जल्दी टीबीडी हो, आपके 20-25 लाख रुपए के चेक आए, आपकी टीम में भी सबके चेक मल्टीप्लाई होते जाए, यही मेरी बेस्ट विशेष है। और जो भी आपसे सीखे वो भी कहीं पीछे नहीं रह जाए, उनके भी सारे सपने पूरे हो जाए, ये मेरी सारे हिंदुस्तान के लिए दुआएं हैं। आपने एक डुप्लीकेटेबल मॉड्यूल, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल, टीटीटी मॉड्यूल आपने तैयार किया है और इसको सब डुप्लीकेट करेंगे हम लोग
और मोदी केयर को नंबर वन बनने में अपना पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे, यही मुझे आज पूरे मेरी मोदी केयर टीम से आशा है। और बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही मिस्टर डिपेंडेबल बने रहिए और सारे मोदी केयर के लिए बहुत बड़ी मिसाल बनिए, इंस्पिरेशन तो आप ऑलरेडी हैं ही। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सो मच मैम। फ्रेंड्स आज का दिन बहुत अच्छा था आप सबका, क्योंकि आज आपने सुरेखा मैम से सुना। फ्रेंड्स सिर्फ सिंपल सी चीज बोलती हूँ, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है, सोचना नहीं है, आज ही बैठ के अपना गोल लिखना है और अपने आगे की जो है एक महीना दो महीना नहीं 3 महीने का डिसाइड करना है कि 3 मंथ्स में क्या करना है, और कल का सेशन खुद भी ज्वाइन करना है, अपनी टीम को भी ज्वाइन करवाना है, अपने प्रोस्पेक्ट को भी लेके आना है। तो थैंक यू सो मच, हमारा आज का सेशन यही फिनिश करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, good morning.